और आपको नाम बताने में शर्म क्यों आ रही है? तो आप बोलिए ना सर, मैं क्यों मैं बताऊं आपको आपने अपना। आपने मेरा नाम पूछा, मैंने बताया ना सर। हाँ तो मैं क्यों बताऊं सर, क्यों आप मैं क्यों आपको जानता क्यों नहीं। क्यों मैं अच्छे माँ बाप ने नाम रखा नहीं क्या आपका? आपने हमारा नाम पूछा, आपने बताया ना हमारा नाम प्रवीण जैन है। हाँ तो बस कोई हाँ दिक्कत तो नहीं, आपका नाम मैं नहीं है, आपको तो जानता नहीं तो मैं क्यों बताऊं नाम आपको। बताने में कौन सी तकलीफ होती है आपको? मेरे को कोई तकलीफ नहीं तो होती फिर तो नाम आपको, बताइए ना फिर कोई बात नहीं सर। आप कहाँ सर। से ये बोल सर रहे जो हैं काम करते हैं ना पहले बजाज वाले, ओके ठीक है ना सर, मेरी बात सुन लेना। तो ये जो करते ना, तो मैं ऊपर आके मार छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा ना। हाँ ये तो बताओ। वो टाइम गया भी आप लोग का, ये तुम सुन अच्छा लो। हाँ हाँ बिल्कुल सुन लेना। अच्छा हाँ मैं बजाज का ही कस्टमर हूँ, और बजाज में आप जाके देख लेना, ये नंबर है मेरा, रजिस्टर नंबर है सर, रजिस्टर नंबर, मेरा अच्छा एड्रेस ही मिल जाएगा आपको, देख लेना उधर जाके। आपकी कंपनी में वो ऑफर करती है 50-50 लाख का सर लोन आपके लिए फ्री है, ठीक है ना। अच्छा हाँ लेकिन ये जो माँ बहन, एक माँ छोड़ना, बहन छोड़ना, ये करना वो करना, वो सब सर अभी भूल जाओ, बहुत हो गया सर, अभी बहुत हो गया, बहुत सहन कर लिया लोगों ने, टाइम था सहन करने का, अब नहीं। इसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, और तुम्हारा नाम पूछने में तुम्हारी फट जाती है, बस नाम पूछो तुम्हारी फट जाती है। और तुम बोलते हो मैं बजाज से नहीं हूँ, मैं जैसी इलेक्ट्रॉनिक से हूँ सर। ट्रू कॉलर पे आप नाम चेंज करके बैठ जाओगे तो क्या हमको का पता चलता नहीं क्या? हाँ ट्रू कॉलर वापर रहो आप, नहीं वापर रहो ट्रू कॉलर? हेलो सो गए क्या? सो गए कि जाग रहे हो? ए बछुआ हेलो, आवाज तो कर कम से कम, हाँ तो This करो। call is now being recorded. हाँ रिकॉर्डिंग में रखो सर, रिकॉर्डिंग में, वन प्लस यूज कर रहे हो ना, रिकॉर्डिंग में रखो सर बात, एकदम लगना चाहिए रिकॉर्डिंग में, एकदम बंदा एकदम जेंटलमैन है। मैं तो रिकॉर्डिंग में बोलता हूँ, तू छूती है बेंचो एक नंबर का। हाँ ये फोन करके किसको तू गाली गलौज करता है ना रिकवरी के लिए, तेरे पास राइट्स भी नहीं हो सब चीज के लिए, और ते भाई इतना तुम्हारे पास दम है ना भाई, इतना दम है ना तू, है ना भाई, तू डालना कोर्ट में, उसकी औकात नहीं है बजाज की, बजाज की औकात नहीं है वो। और तूने सबसे बड़े पहले सबसे बड़ी गलती ये कर दी, तूने अपना पर्सनल नंबर से तूने फोन लगा दिया। ये तेरा पर्सनल नंबर है, और तू टू कॉलर पे जय, क्या क्या नाम है तेरा इसका? हाँ श्री जय इलेक्ट्रॉनिक। अभी आवाज में क्या हो गया, मुंह में क्या कुछ ले लिया क्या? अभी बोलना, बात तो कर। अभी तो वन प्लस यूज कर रहा, मेरे को मुझे पता चले तो वन प्लस यूज कर रहा है, आगे बात कर। अभी आवाज नहीं निकले मुंह से अभी भाई, कोर्ट में जाइयो कल तू, ये रिकॉर्डिंग तू कल जाके मेरे नाम पे नोटिस डाल दियो, ठीक है? रजिस्टर मोबाइल नंबर है, मेरे एड्रेस पे बंदे लोग को भेज देना कल तू, मुंबई के 10-12 लोग को, कोई आने के लिए खड़ा नहीं होगा उधर। प्राइम कस्टमर था मैं, प्राइम कस्टमर बजाज का, ठीक है ना। ये जो तुम्हारे हरकत चलते ना, माँ बहन को कर दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम लोग ऐसे पैदा हो गए क्या? किसकी माँ को छोड़ने का, किसी बहन को छोड़ने का, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है मतलब? अब आवाज निकल रही क्यों नहीं, बोलना कुछ तो बोल शर्म के मारे, ये उतनी भी इंसानियत नहीं है बोलने के लिए, ये वो भी पैसे के हिसाब से बेच डाली अपने, अपनी इंसानियत भी, करोड़ के कोई बोल दे 5,000 देता हूँ, तेरी बहन बहन को बेच दे, तेरी माँ को बेच दे, तो बेच देगा ना 5,000 के लिए भी? ये तेरी इंसानियत हो गई भी? क्या आवाज निकल रही नहीं मुंह से, कुछ तो बोल, शर्म आ रही है कि फोन करके मैंने ऐसा बोल दिया, शर्म आ रही तेरे को भाई? तेरे बच्चा है, बच्चे की आवाज आ रही पीछे, उसके बारे में मैं ख्याल रख थोड़ा, दुनिया को इतना माँ बहन नहीं करते ना, खुद के घर पे बच्ची है और बेटा है छोटा, जो भी तेरी लड़की है बच्चा है, मैं तो भगवान उसको अच्छा अच्छा खासा रखे,
इतने इतना शर्म है किसी माँ बहन पे आता ना, तू भी किसी माँ का लड़का है, तू भी किसी बाप का लड़का है, तू अनाथ पैदा होके, तू रस्ते पे आके तू पैदा होके बड़ा नहीं हुआ है, तेरी खुद की फैमिली है ना, थोड़ा सा धार रख के ना बात किया करो, सब इंसान है यहाँ पे। इतने अगर तुमको शर्म आ गई होती तुम लोग मेरे कहाँ से कहाँ पहुंच गए होते, आज भी तुम 5,000-10,000 से इंसेंटिव के ले ले घूमते हो, साला जात पात धर्म सब सब भूल के बस इंसेंटिव। कितना टका मिलता है? 1 टका, 2 टका, एक एक कस्टमर का पेमेंट आता है 1 टका, दो दो कटा इंसेंटिव मिलती है, क्या करोगे? ऐसी गाली गलौज खा के खिला के क्या करोगे? 1-2 टका अच्छी वाली जिंदगी जी भाई, तू छोड़ा, तू अब भूलने की ताकत नहीं तेरे में, तू जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, है कि नहीं? वो भी नहीं है, ओए वन प्लस, ये होता है ना कि कोई तुमको एकदम अच्छा बंदा कभी कोई समझाने के लिए बात करेगा तो तुम लोग उससे बात करोगे नहीं, पर गाली खाने के लिए पहले रेडी रहोगे। और ये तू ना भाई, ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो तू कर रहा है ना, तू डाल देना सबको कल, तू और बजाज के हर एम्प्लॉय को बोल दे मुझे फोन कर देवे कल, सबको बोल देना फोन करने के लिए, ठीक है ना? खुला चैलेंज करता हूँ, सबको बोलना फोन करने के लिए, ये प्रवीण जैन बोल रहा है, ठीक है ना? तेरी बजाज के ऑफिस मुंबई की वाले अगर तोड़ नहीं तो मेरा नाम ही प्रवीण जैन नहीं, उधर का तेरा मैनेजर जनरल मैनेजर सबको बोलता प्रवीण जैन कौन है, और तू इतना बड़ा बन रहा है ना, कल तो तेरा एड्रेस निकाल के मैं तेरे से कल मैं बात बात भी कर लूंगा, तू कितना तू भाई ये सोच ले रहा कि अभी की पब्लिक पागल हो गई है, गाली खा लेगी तो ये कर देगी वो कर देगी, वो सब टाइम गया भाई, अभी प्यार से मांगो पैसा मिलेगा, हक का पैसा है ना मिलेगा, कंपनी का पैसा है मिलेगा, पर तुम किसको गाली गलौज करके अगर तुमको पैसा चाहिए ना तो घंटा नहीं मिलेगा, भोसड़ी के जो उखाड़ना है उखाड़ ले मादर छोड़, समझा? अब तुम्हारी आवाज हो गई बंद, बात तो करो, कि बात करने के पैसे लग रहे क्या अभी तुमको? इंसेंटिव थोड़े देनी मेरे को, मेरे को भाई इंसेंटिव नहीं चाहिए तुम्हारी, बात तो करो, हेलो बात तो करोगे ही करोगे, नहीं वो भी नहीं होती अभी, कंपनी ने वो भी बोल दिया कि बात करने का नहीं, बात करना नहीं होता तुम लोग को तो फोन वापस देखी हो, फेंक दो ना भाई, वापस था क्या फोन भी तू जब बात ही नहीं करने, देखो तो सर तेरे में हिम्मत होती ना, अगर तू लीगल बंदा होता ना कि हाँ मैं वो कंपनी से नहीं हूँ तो लीगल बात करता, तेरा बच्चा बोल रहा बच्चे से बात कर ले पहले, जा उसको खिला दे पिला दे कुछ, हाँ बात करने में शर्म आती है तुम लोगों को, तो बात करने में शर्म आ रही है अभी, कैसे बात करूँ घर पे मैं ना, बच्चे लोग के सामने क्या क्या सोचेंगे, सबकी फैमिली भाई दुनिया में, तू अकेला फैमिली वाला पैदा नहीं हुआ है, और तू सबको ना पब्लिक को ना वो कीड़े मकोड़े समझ मत, कि कीड़े मकोड़े जब आया तब रिंग दिया, जब आया तब पैर के नीचे रख के भाई मसल दिया भाई, वो टाइम गया भाई, इसको तू अच्छे में ले खराब में ले, और जो उखाड़ना है ना उखाड़ लेना, ठीक है? तेरी आवाज तो निकलेगी नहीं, बोलती बंद हो गई तेरी तो पूरी, हाँ? और तो लीगली फाइट करना है, लीगली फाइट, लीगली फाइट करेंगे, लीगली फाइट, तू कोर्ट में आ जा, कोर्ट में बेंचो तेरे सामने बंदा खड़े होके बेंचो बात करेगा तेरे से, बोल तू वकील को लेके आएगा ना, मेरे को तो वकील की जरूरत भी नहीं है, इतना भी सुन लेना, मेरे को खुद को वकील की जरूरत नहीं है, मैं खुद मेरा केस हैंडल करूंगा, ये सब छुत्ता पा छोड़ो, अच्छा काम करो, 10 गाली खाने से अच्छा है कि 2 जंगे ना कॉल पे आके भाई तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया भाई, बहुत अच्छा काम कर दिया, वैसा काम करो, आए बड़े अच्छे से बात करो तो उनको, तो तुम लोगों को समझ में नहीं आता ना अच्छे से बात करने में, हाँ बोलती तो बंद ही हो गई पूरी, तेरा मुंह ही बंद हो गया पूरा, क्या बोलेगा तू अभी,
एक आवाज निकल रही नहीं थी तेरे मुंह से, एक आवाज तो निकल मुंह से, जिंदा है कि मर गया? तेरा तुम लोग कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग ऐसे आओगे ऐसे जाओगे, अभी 4 महीने के नौकरी के लिए किधर और भटकोगे। बोलते हैं इंडिया में बेरोजगारी क्यों है, तुम लोग की वजह से ही है, बाकी इंडिया तो बहुत आगे है। तुम लोग को बोले नवरा इंसान, तुम लोग नवरे हो कि तुम लोग को ना फैक्ट पे बात करने नहीं आती, ना ही तुमको ना सुनने आती है, ना ही तुमको तुम्हारे पास उसका आंसर है कोई कोई भी चीज़ का। इतना आंसर रहेगा ना उस दिन फोन करना, तो सुबह फोन करना, रात को फोन करना, एनी टाइम फोन करना, रात को 3 बजे फोन करना, उठा के बात करेगा तेरे से। तू सांस भी ले रहा है, उसकी भी आवाज आ रही है, पानी भी पी ले एक दो ग्लास, तेरे काम में आएगा कम से कम। मुतने तो मुतने का तो बराबर जाएगा, अंदर अंदर ही मुतेगा रात को, सपना देखेगा तो। तू तो कुछ बोलेगा नहीं बहन, छोड़ मैं ही फोन करगा, कट करता हूँ। तो कुछ बोलता होता तो मजा आता था। और कल जाके प्लीज ना तेरे में ना टाका देना भाई, कल तुम्हें नाम पे एफआईआर कर देना, ठीक है ना? पूरी रिकॉर्डिंग उसको सुनाना, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है ना, तेरे पास भी है, दोनों के पास।